मैं ना दिल्ली गया अभी, पीछे ट्रैवल चालू हो गई तो वहाँ पर एक स्टैंडर्ड कॉफ़ी शॉप है जहाँ मैं जाता हूँ, वही लोग हैं जो मेरे को हर बार कॉफ़ी देते हैं। बोलते हैं अरे शेफ़ बड़े टाइम बाद आए, और उन्होंने बोला अरे शेफ़ आपने तो लॉकडाउन में बड़े वीडियो बनाए, आप कोरियन खाना क्यों नहीं दिखाते। तो मैंने कहा कोरियन कितना फेमस हो गया अचानक से, मैंने क्यों, कहते नहीं शेफ़ अभी तो के पॉप ये BTS हम लोग तो कोरियन ही, सब कुछ कोरियन कोरियन चाहिए। तो उन्होंने बोला एक तो उनको चाहिए वो ब्लू गार्लिक है, एक ग्रीन ब्लू गार्लिक होता है, एमरल्ड गार्लिक, उस फोटो आ जाएगी बगल में, तो वो मैं दिखाऊंगा अगली बार। और दूसरा उनको चाहिए कोरियन फ्राइड राइस किमची वाला, तो मैं दिखाऊंगा आज। तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर ब्रार, बंद गोभी लेके हो जाइए तैयार, ऐसी फ्राइड राइस और किमची बनाएंगे, आप खाएंगे तो बनाएंगे बार बार। कैच करिए। देखिए कायदे से नापा कैबेज से बनती है, उसकी भी फोटो आ जाएगी साइड में, उस कैबेज से बनती है किमची, लेकिन हमारे यहाँ मिलती है फर्स्ट क्लास बंद गोभी, तो हम बंद गोभी यूज करेंगे। नाइफ ले आते हैं, नाइफ कहाँ गया, नाइफ नाइफ नाइफ, थैंक यू, सब छुपा लेते हैं नाइफ हमारा है? तो ये लेनी है अपनी गाजर, गाजर को ऐसे करके काट लेना है, ठीक है, गाजर के कर लिए 1/4 टुकड़े, और गोभी गोभियाँ, आप तो मेरा नेचर जानते हैं, हंसी मजाक चलता रहे तो दिल लगा रहता है। अब अगर यहाँ पर होती नैपा कैबेज, अर्थात वो चाइनीज़ कैबेज, तो आप उस कैबेज के सिर्फ 1/2 करते और उसको नमक के पानी में डाल देते, क्योंकि वो खुली खुली होती है ना, ऐसी नहीं होती टाइट, तो इसलिए वो धीरे 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 करके नमक जो है वो अंदर चला जाता है। इसमें सवाल ही नहीं उठता नमक अंदर जाने का, ये हमारी बंद गोभी है, एक बार बंद तो मतलब बंद। एक तो मुझे हमेशा लगता था कि यार कोरियन खाना हिंदुस्तान में चलना चाहिए, क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं चलता। कोरियन खाना भी स्पाइसी होता है जैसे अपना खाना स्पाइसी होता है, कोरियन खाने में भी जिंजर गार्लिक का ठोक के प्रयोग होता है। तो कोरियन खाना चला भी कब, जब कोरियन म्यूज़िक, के पॉप, के ड्रामा ये सब फेमस हो गए। बताओ, खाने को हमेशा से ही कल्चर की बैसाखी लेनी पड़ती है। नमक को पानी से बड़ा प्यार है, साइंस में उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, और रोमांस की भाषा में ये बोलते हैं कि नमक को पानी से बहुत प्यार है, जहाँ जाता है पानी को अपनी तरफ खींच लेता है, बस वही फॉर्मूला है, नमक नमक जो है पानी को खींच लेगा और हमारी जो गोभी है वो रेडी हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये पार्ट है किमची का, सॉल्टेड कैबेज। अब ये सॉल्टेड कैबेज के बाद दूसरा पार्ट है चिली पेस्ट। देसी किमची बनाने के लिए लेनी है देसी कश्मीरी मिर्च। देखिए कायदे से जो चिली पेस्ट बनता है वो होता है गोचुजांग, है गोचुजांग जो है वो फर्मेंटेड कोरियन चिली पेस्ट होता है, और जो चिली फ्लेक्स से वो बनता है वो होते हैं गोचुगारू, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता हूँ मैं, किमची के बारे में ना अलग से बैठ के बात कर लूँगा, फिलहाल रेसिपी फोकस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और अब जो मेन हिस्सा है, जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है, वो है माड़। माड़ बनती है पानी और चावल के आटे से, ठीक है। चावल के माड़ का जो प्रयोग है ना फर्मेंटेशन के लिए, सिर्फ कोरिया में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत ज़्यादा है, चाइना में भी है। उसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल में पांता भात बनता है, उड़ीसा में पखाला बनता है। तो चावल एज अ फर्मेंटेशन स्टार्टर हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। कायदे से वो स्टिक्की राइस होता है ना, स्टिक्की राइस, उसका आटा यूज़ करते हैं, ग्लूटिनस राइस जो होता है, उसमें एक नेचुरल मिठास होती है, लेकिन अगर नहीं है तो मीठा थोड़ा शक्कर डाल लीजिए, नो प्रॉब्लम। ये देखिए उबल गया, गाढ़ा हो गया, अब इस मिर्च में ये माड़ डाल देंगे। अगर आप कोरियन चिली फ्लेक्स यूज़ कर रहे हो तो बस इस माड़ में चिली फ्लेक्स मिक्स भर करना था, और उस चिली फ्लेक के मिक्सचर के अंदर कुटा हुआ गार्लिक, कुटा हुआ जिंजर, हल्की सी शक्कर डाल के उसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना था, ठीक। कायदे से चिली फ्लेक्स से बनता है, मिर्च पाउडर से या किसी भी मिर्च से नहीं बनता, इसलिए हल्का सा दाना जो है, हल्की सी कोर्सनेस, ओके, ठीक है। तो एकदम बारीक नहीं भी पिसता है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा मोटा रख लीजिए तो भी ओरिजिनल के नज़दीक रहेंगे आप, और वो क्या बोलते हैं उसको, तो पेस्ट कर लेंगे ना, पोर्चुगीज ने एक काम बड़ा अच्छा किया, पूरी दुनिया को मिर्च दे दी है, हिंदुस्तान को भी और कोरिया को भी, और 16वीं शताब्दी में जब कोरिया को मिर्च मिली, उन्होंने मिर्च को अपने तरीके से फर्मेंट कर लिया ताकि उसका तीखापन कम हो जाए, उसके अंदर एक नेचुरल मिठास आ जाए। अब कोरियन में गोचू गारू, गोचू यानी कि चिली, गारू यानी कि पाउडर, कोरियन चिली पाउडर यानी कि गोचू गारू को चावल
और मेजू गारू यानी कि सोयाबीन का पाउडर डाल के फर्मेंट किया जाता है, और चावल के माड़ से वो जो मिठास आती है वो गोचू जांग यानी कि चिली पेस्ट का सिग्नेचर होती है। और यहाँ पर हम जो किमची बना रहे हैं उसमें वही प्रोसेस है, यानी कि चिली पाउडर को कैबेज के साथ में फर्मेंट किया जा रहा है, यानी कि एक तरफ गोचू जांग बन रहा है और दूसरी तरफ कैबेज भी फर्मेंट हो रही है। खूबी इसकी यही है, अंत में हल्की सी मिठास खटास का जो बैलेंस है वही किमची का सिग्नेचर है। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि पोर्चुगीज को भी नहीं पता होगा कि किस तरह उनके द्वारा दिया गया एक इंग्रेडिएंट पूरी दुनिया को जोड़ेगा। मतलब हिंदुस्तान और कोरिया को केपॉप तो जोड़ ही रहा है, साथ में मिर्च भी जोड़ रही है बहुत टाइम से। अब इस तरफ जो है हमारा दूध उबल गया है खीर बनाने के लिए, ठीक है, मतलब पानी उबल गया चावल पकाने के लिए, और ये गए हमारे बाजरे के दाने। चावल भाग जाएंगे सब लोग, बोलेंगे क्या कर रहा है रणवीर, भूल भुलैया पिक्चर बना रहा है क्या। अभी ये जो चावल को उबाल के छान के ठंडा करना है, कोई भी फ्राइड राइस बनानी है गरम चावल के साथ नहीं बनानी है, चावल को लेना है उबालना है, उबाल के ठंडा करना है, ठंडा हो जाए तो उसके बाद फिर उसको टॉस करना है। अगर आप गरम गरम में टॉस करेंगे तो आप बनाने जाएंगे फ्राइड राइस, बन जाएगा भरता और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, क्योंकि जब चावल ठंडा होता है तो अपना स्ट्रक्चर पकड़ता है, जब स्ट्रक्चर पकड़ता है तो फिर हैंडलेबल हो जाता है, आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं, फ्राइड राइस पुलाव उलाव तमाम वो चीज़ें बना सकते हैं जो आप टॉस करके बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप गरम गरम चावल को किसी भी चीज़ में डाल देंगे तो हर चीज़ जो है वो एक साथ जुड़ जाएगी और बन जाएगा लंप। सब बता दिया मैंने। अब ये देखिए गोभी जो है, बंद गोभी का कार्यक्रम कुछ ऐसा हो गया, देखिए देख रहे हैं पानी छूटना हो गया शुरू। ऑस्मोसिस की साइंस की कहानी अलग है, हमारा जो है अलग ही चल रहा है, नमक और पानी का रोमांस। चावल निकालने वाला हो गया, पेस्ट भी बन के आ रहा होगा, आ गया पेस्ट, आ गया, थैंक यू। बड़े मजे का टेक्सचर है, देखिए पापा से देखिए, ये देखिए थोड़ा दाना रखिए उसके अंदर, एकदम चिकना मत कर दीजिए उसको। जैसे मम्मी घर पे गुस्से से कपड़े नहीं छोड़ती ना, ये सारे घर के कपड़े मेरे को ही धोने पड़ते हैं, जब देखो हर तीसरे दिन ये लोग गंदे कर देते हैं, वैसे गुस्से से ही कैबेज नहीं छोड़नी है आपको। कैबेज का जितना पानी आप निकाल लेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि सिर्फ पानी नहीं है बल्कि नमक भी निकल रहा है, और वो नमक जो है जितना निकल जाए उतना अच्छा है, क्योंकि नमक फर्मेंटेशन का दुश्मन है। यहाँ पर ना मलमल नहीं चलेगा है, मलमल जो है फटफटा जाएगा, इसलिए मोटा डस्टर यूज़ किया मैंने। आइए पास आइए, देखिए एकदम कैसे बन गया कैबेज का कैबेज केक। तो ये जो है ना, ये मैंने डाइस इसलिए किया क्योंकि हमने बंद गोभी यूज़ करी, अगर आप नापा कैबेज यूज़ करते तो फिर 1/2 करते और उसके अंदर नमक लगाते पत्तों के अंदर, फिर निचोड़ के और वापस से उसके अंदर ये मसाला डाल के और भर देते। ओके जी, ये हमारे 2 जार रेडी हो गए। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जार साफ़ होने चाहिए, एकदम एयर टाइट होने चाहिए, इसमें बार बार हाथ ना डाला जाए। जैसे घर पे अचार बनाते हैं अच्छे से ध्यान रखते हैं, वैसे ही फर्मेंटेशन में भी ध्यान रखना पड़ता है। कोरिया में कुछ लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े चावल के ड्रम होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर गर्मी भी मिलती है डार्कनेस भी मिलती है, बढ़िया सा कलर आता है, बढ़िया सी फर्मेंटेशन होती है। देखिए वैसे तो मैं हिंदुस्तानी खाना बनाता हूँ, लेकिन अगर मैं उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं रुकता और मैं रियलाइज़ नहीं करता कि मैं बहुत पीछे रह गया हूँ और दुनिया बहुत आगे चली गई, कोरिया तक पहुँच गई है। हमारा अपना के पॉप स्टार है श्रेया लेंका उड़ीसा से, तो फिर मैं कभी कोरियन खाना नहीं बनाता। सो थैंक यू टू दोज किड्स एट द कॉफी शॉप जिन्होंने मुझे कहा शेफ कोरियन खाने का क्या। तो फर्मेंटेशन वाला प्रोग्राम हो गया, अब बनाते हैं अपनी किमची फ्राइड राइस, ये इंस्टेंट जो हमने किमची बनाई हुई है उसके साथ, ठीक है। 1/4 कर लिए मशरूम, मशरूम के साथ तो बड़ा अच्छा जाता है। अगर आप नॉनवेज बनाना चाहें तो प्रॉन है ना, प्रॉन के साथ किमची का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। जिंजर ठोक के, क्यों, क्योंकि जिंजर जो है वो फ्रेशनेस देता है जो कि मिर्च के तीखेपन को बैलेंस करती है। ये वाला गार्लिक जो है आपके लिए बनने वाला है अगले हफ्ते। ये बेबी कॉर्न भी दिख गया, प्लस प्रोड्यूसर साहब अर्थात मेरी घरवाली पीछे बैठी हैं, वो बोल रही हैं बेबी कॉर्न भी डाल दो, तो इसलिए डाल देता हूँ मैं, क्योंकि रात को घर जाके खाना है। नहीं तो सिर्फ मशरूम से भी हो जाएगा। यहाँ कॉर्न अगर आपके पास है ना, कॉर्न तो सबको मिलता है, तो कॉर्न यूज़ कर लीजिए, रेगुलर वाला जो अपना मकई है। देसी बना तो डालना है ना, बगैर अदरक लहसुन के कैसे आएगा देसी बना। कलर नहीं करना, तड़का नहीं लगाना, फ्राइड राइस बनानी है। और क्या क्या कोरियन डिशेज देखनी है आपने बता दीजिएगा हैं। किमची डालने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है उसको, तुरंत के तुरंत राइस डाल देना है, ठीक है जी। टेक्स्चर बहुत इंपॉर्टेंट है,
गोभी जो है मुंह में आनी चाहिए, बंद गोभी, हलवा नहीं बनना चाहिए उसका। थोड़ा थोड़ा टॉस करते रहें, चावल को थोड़ा नीचे लगने दें, फिर टॉस कर दें, नीचे लगने दें, फिर टॉस कर दें, और ये फिनिश करने के लिए हरा प्याज, हरा गार्लिक भी डाल सकते हैं आप, ग्रीन गार्लिक, फ्रेश ग्रीन गार्लिक। ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये अभी डालेंगे और हरा वाला हिस्सा बाद में। चावल 80% जो कुक रखा था वो इसीलिए रखा था कि बाद में जब टॉस करें तो 100% कुकिंग हो जाए और हलवा ना बने, ठीक है ना। फंटास्टिक हो गया। ओह बड़ी स्वाद चीज़ बनी है जी। जेनरस, हाँ पोर्शन जेनरस, सामने वाला ये ना कहे कि भाई बंदा कंजूस निकला। के पॉप के बारे में हमें भले पता ना हो लेकिन ये ज़रूर पता है कि खाना खिलाओ खुल के। ये लो जी, ये टोस्टेड सेसमी सीड है उर्फ भुना हुआ तिल, पैन में हल्का सा उसको जैसे जीरा भूनते हैं ना वैसे भुना है सफ़ेद तिल को बस। अब अगर किमची फ्राइड राइस है तो किमची तो ऊपर डालना पड़ेगा। देखो जी, इंडिया हो, जापान, कोरिया हो या पाकिस्तान, धनिया तो हमने डालना ही है। अब इस फ्राइड राइस की सुंदरता को निहारते हुए हम मुस्कुरा सकते हैं और आप सबको ये बता सकते हैं कि अब आप कोरियन फ्राइड राइस बना सकते हैं। देखो जी, जो कढ़ाई से खाते हैं उनकी शादी में बारिश होती है, हमारी शादी हो चुकी है इसलिए हमें बारिश की टेंशन नहीं है। आप मत खाइएगा कढ़ाई से। मजा आ गया, ये वाकई उंगलियां चाटने वाली डिश बनी है। मुझे पता दिल्ली वाले क्या सोच रहे हैं, दिल्ली वाले सोच रहे हैं रणवीर पनीर डाल सकते, उसमें पनीर है ना, डाल सकते हैं बिंदास। और मुझे पता है मुंबई वाले क्या सोच रहे हैं, मुंबई वाले सोच रहे हैं रणवीर तू लेफ्टी कब से हो गया और राइट हैंड में चोट लगी ना। बनाइएगा जरूर, हर तरीके से बेच दिया मैंने इस रेसिपी को, के पॉप, के ड्रामा, श्रिया, इट्स अ फैंटास्टिक रेसिपी। और घर पे आम तौर पे मिलने वाली चीज़ों से बना दी मैंने, तो बनाइएगा ज़रूर। बाकी मैं लेफ्टी होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। थैंक यू, मज़ा आ गया, नज़ारा आ गया। कोरियन में क्या बोलते पता नहीं बट पंजाबी में तो कहते नज़ारा आ गया एकदम ठोक के।